शेख मोहतरम, मैं जानना चाहूँगा क्या ऐसे शख्स के यहाँ पर जाकर इफ्तारी करना जायज़ होगा हमारे लिए कि जिसके बारे में हमें शक हो, जिसके बारे में हमें शुबा हो कि उसकी कमाई किसी हराम ज़रिए से आ रही है? इबादत के लिए इससे पहले भी बात आ चुकी है कि इंसान का जिस्म पाक होना चाहिए जी, उसका कपड़ा पाक होना चाहिए जी, ये उसके शरायत हैं जो है। अब अगर हमें किसी आदमी के बारे में ये मालूम हो या उसके रिस्क के ताल्लुक से उसके ज़रिए आमदनी के बारे में शुबहा हो और ऐसे आदमी ने हमें दावत ली है, तो अव्वलन तो उस शुबहे को हमें ज़ायल कर लेना चाहिए। किसी के ऊपर अगर हम हुक्म लगाएं तो ये एक बेजा बात होगी। सबसे पहले उसे कन्फर्म कर लेना चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए या अपने को उससे मुतमईन कर लेना चाहिए कि नहीं, हाँ इसके यहाँ ये चीज़। अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि फलां आदमी की कमाई में कुछ हराम की आमेजिश है जी, या मुकम्मल हराम है, अगर मुकम्मल हराम का हमें पता चलता है तो हमारे लिए जायज़ नहीं है कि हम वहाँ जाएँ। अलबत्ता ये है कि अगर हमें कुछ उसमें दूसरे और ज़राए से उसके यहाँ जो कमाई आ रही है उसमें कुछ शुबहा है या मिलावट है, तो उसके यहाँ इफ्तारी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बचना, हमें उससे इज्तनाब करना और किसी तरह से एहतियात करना ये ज़्यादा अवला है। अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस है कि फ़मन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही, यानी ये शुबहा है इस वजह से थोड़ा सा उसमें एहतियात करना चाहिए। अलबत्ता अगर हराम मुकम्मल तौर पर है तो ऐसी दावत में हमें शिरकत नहीं करनी चाहिए, और एक मुसलमान भाई की वजह से हमें उसे तलकीन भी करना चाहिए और अच्छे अंदाज में उसको समझाना चाहिए कि भाई देखिए, आपके जो ज़रिए आमदनी है ये दुरुस्त नहीं है, आप इससे बचने की आप कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकुल्लाह फीक। नाज़रीन किराम, देखा आपने, शेख मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात बताई। हमें शुबहे की बुनियाद पर किसी के भी ताल्लुक से फ़ैसला नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें उस शुबहे को क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम अपने किसी भाई के ताल्लुक से बदगुमानी में रहें और वो उससे आरी हो। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।